सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे। और भाई मैं भी एकदम मस्त नहीं हूँ, क्योंकि अभी अभी मुझे बड़ी शॉकिंग खबर मिली है कि मेरा जो कैमरा है उसका माइक का जो जैक है वो ख़राब हो रखा है। मैं इतने टाइम से सोच रहा था कि मेरा माइक ख़राब है, लेकिन माइक ख़राब नहीं था, मेरे कैमरे का माइक का जैक ही ख़राब था। तो अब पता चला, अब उसको ले आना पड़ेगा कैनन स्टोर पे, वहाँ पे जाकर सही कराना पड़ेगा। और आप लोग मतलब बहुत तगड़े में कमेंट वगैरह करते थे कि विकास भाई ये डेली ब्लॉग करो, डेली ब्लॉग नहीं करते, डेली ब्लॉग नहीं डालते। भाई देखो, मेरी डेली लाइफ इतनी अच्छी खासी नहीं है, तो मैं आज आपको अपनी डेली लाइफ ही दिखा देता हूँ कि कैसी क्या है। तो आप पहले मेरी डेली लाइफ देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि भाई डेली ब्लॉग डालो, ठीक है ना? लाइफ देखिए पहले। करे जो मन मानिए, मन ना माने, मिली जो ये जो याद मिले। तो भाई लोग देखो, अभी मैं हूँ अपनी दीदी के यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे लाइफ कैसी है मैं बता देता हूँ। देखो, मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी, एकदम मैं डिसिप्लिन में रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ मस्त एकदम तरीके से। 6 बजे जागने के बाद मैं छत पे जाता हूँ योगा करने, वहाँ पे अच्छे से योगा व्योगा करता हूँ। मेरी लाइफ बहुत एकदम डिसिप्लिन, टाइम टू टाइम सब कुछ है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो भाई लोग। मैं सुबह 9 बजे लाते खाने के बाद खड़ा होता हूँ, ताने सुनता हूँ भाई 10 बज गए, कब ब्लॉग बनाने जाएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं ब्लॉग बना। ऐसी लाइफ है मेरी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या हर जगह, मतलब ऐसा मतलब 10 बजे जागता हूँ, आंगड़ाई लेता रहता हूँ, फ़ोन में लगा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ किस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाऊँ। और मेरी घर पे जो लाइफ है ना, वो कुछ ऐसी है। देखिए सुनना पाए हमारी बात, ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना, काहे हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना, सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो। सो फिलहाल भाई मैं मेरे यहाँ पे पानी पूरी वाला आ गया है, थोड़ा गोल गप्पे वो लोग गप्पे खा लिए जाए। यहाँ पे सचिन जी खड़े हैं हमारे पैसों से गोल गप्पे खाते हुए। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तुम्हारे आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। हाँ जी, तो घर पे मेरी लाइफ कुछ ऐसी है। क्या मतलब आप लोग नहीं समझे कैसी है और क्यों है, तो अब समझ लीजिए ऐसी क्यों है। सो मैंने भैंस को चारा वारा कर दिया है, झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, और भाई मम्मी नहीं है घर पे, क्योंकि वो शादी में गई हुई हैं, तो आज शायद शाम तक आएंगी वो। और देखो, आज बढ़िया मौका है मेरे लिए ब्लॉग करने का, क्योंकि आज मम्मी भी घर पे नहीं है, तो मैं एक अपनी लाइफ का ब्लॉग बना सकता हूँ कि मैं डेली क्या करता रहता हूँ। वैसे ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, वैसे को डेली कुछ नहीं करता, बट आज कर रहा हूँ तो खुद ब्लॉग ही बना देते हैं, ठीक है ना? चलो समझे ऐसी लाइफ क्यों है घर पे। देखो मैं समझाता हूँ, हुआ ये कि उस दिन मेरी जो मम्मी थी वो उससे एक दिन पहले शादी में गई हुई थी, शादी अटेंड करने, तो घर पे कोई नहीं था, इसीलिए मुझे थोड़े बहुत घर के काम करने पड़े। मुझे आता कुछ है नहीं रचना, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत काम किया, जो कि मुझे जैसा हुआ वैसा कर दिया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। और फिलहाल मैं भी ग्वालियर में हूँ, तो घर पर मेरी लाइफ कुछ ऐसी है कि ब्लॉग ब्लॉग के बारे में सोचता रहता हूँ, कुछ काम वाम करता रहता हूँ, एडिटिंग वगैरह सीखते रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अगर ब्लॉग नहीं होता तो पूरे दिन दिमाग खुद का ख़राब करता रहता हूँ। और यहाँ पे भी सेम हाल है, मैं अगर ब्लॉग बनाना होता तो ब्लॉग बनाना निकल जाता हूँ, अगर ब्लॉग नहीं बनाना होता ना, मतलब बनना नहीं होता मेरे से, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि किसके बनाऊँ, किसके ऊपर बनाऊँ, इसीलिए मेरा दिमाग ख़राब होता है। फिलहाल मेरे को इसकी सर्विस कराने जाना है यार, इसकी सर्विस जो है वो आ गई है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, 1050 किलोमीटर हो गए हैं, इसकी सर्विस करानी है। सर्विस कराते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, चलिए। उम्र भर भरी नजर है,
सब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। तो फिलहाल भाई हमारी जो बाइक है यहाँ पे सरस पे लगी हुई है, अभी तो सरस वगैरह होनी है। सो फिलहाल देखो हुआ क्या कि मैं सर्विस करा के आ चुका हूँ। वहाँ पे कैमरा वैमरा लगाते तो वो बोल लेते सर्विस करने वाले कि यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया। और सर्विस करा के मैं घर तो आ गया हूँ, लेकिन यार पता है सर्विस में जो पैसे लगे वो 2070 रुपये की पूरी 1500-1550 का तो ऑयल ही ऑयल था KTM का। भाई ऑयल डाल ले या सोना डाल ले, चलो बाकी कुछ भी हो, फिलहाल यहाँ पे बॉबी जी रेडी खड़े हैं। मुझे थोड़ा मार्केट जाना है। मैंने बताया कि कैमरे का जो है वो खराब हो रखा है, माइक का हेडफोन जैक हेड वो हाँ माइक का जैक खराब हो रखा है, तो मुझे वो सही कराना है क्योंकि उसमें माइक नहीं लगेगा तो मेरा काम खत्म है। क्योंकि मैं अभी फोन से ब्लॉक कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, तो मैं कैमरे से ब्लॉक करता हूँ, वो कैमरा में ही जब माइक का जैक खराब हो जाए तो मेरी तैसी तैसी पक्की होनी है। तो फिलहाल मुझे नहीं पता कहाँ दिखाना है, लेकिन कैनन स्टोर है डीडी मॉल के अंदर, मैं वहाँ जाके पूछता हूँ, फिर देखते हैं कहाँ दिखाना है। और थोड़ी बहुत तो मुझे कपड़े वपड़े भी लेने हैं, तो चलते हैं यार पहले। अब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ। अब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार बार बार। सो फिलहाल मैं मार्केट से आ गया था, लेकिन जो कैमरा है वो सही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपको इंदौर बोला था, इंदौर जाना पड़ेगा या फिर कैमरा इंदौर भेजना पड़ेगा, 15 दिन लगेंगे कैमरा ठीक होने में। अगर आप जाते हो तो जाओ और तुरंत ठीक करा के ला सकते हो, वो आपके ऊपर, पर आपको जाना पड़ेगा। तो मैं इंदौर तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं लोकल कहीं ठीक कराऊंगा ग्वालियर में तो जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वारंटी में से निकल जाएगा कैमरा, वारंटी खत्म हो जाएगी, और आप लोकल से सही करा। तो मैं ट्राई करता हूँ लोकल से सही करा, मुझे वारंटी का कोई मतलब नहीं है, पैसे वही देने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरा जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि बिना कैमरा के मेरा कुछ काम नहीं है, मैं 15 दिन तक वेट नहीं कर सकता। और गाइस प्लीज कमेंट में बता दो कैमरा सही कहाँ होगा ग्वालियर में, कौन सी दुकान, मतलब कौन सा शॉप अच्छा है जहाँ पे कैमरा सही हो जाए। जो मेरा जैक है हेडफोन जैक, माइक नहीं माइक का जैक है क्या, वो खराब रखा है, तो कहाँ सही होगा प्लीज कमेंट में बता दो। और मैं मार्केट गया तो सोचा थोड़े कपड़े भी ले आता हूँ, तो देख सकते हो कपड़े, वो भी दिखाने जा रहा कैसा लग रहा हूँ मैं। तो मैं ये पैंट लाया था, कार्गो पैंट, और ये टी शर्ट लाया था, और ये शर्ट लाया था। गाइस कैसा लगा कमेंट बता देना, ठीक है ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे 50K हो चुके हैं, तो 50K पे 50K स्पेशल वीडियो तो आ गया है, देखा होगा आपने इससे पहले वाला वीडियो, लेकिन 50K का Q&A नहीं आया है। तो Q&A के लिए कम्युनिटी में एक पोस्ट कर दूंगा, वहां पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लीजिए, अच्छे अच्छे पूछना प्लीज, उन क्वेश्चन के आंसर अगले वीडियो में Q&A आने वाला है, उसमें पक्का क्वेश्चन पूछ लेना, कम्युनिटी में पोस्ट जाकर चेक कर लीजिए। अब थोड़े आस पास आ रही बारात करना इंकार।